set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Assalamualaikum, welcome back to another exciting and different kind of vlog. अभी currently we are at Chopal और Chopal पे हम आए हुए यहाँ की इनकी सी वी वाली ब्रांच पे हैं। Chopal कराची का सबसे बेहतरीन लेविश और बहुत ही ज़बरदस्त इनका डाइनिंग सेटअप है। दे हैव लाइक हाई टी ऑप्शन, डिनर और डिफरेंट तरह का इनका सेटअप है। बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम अभी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे और इस टाइम पे क्योंकि मेरी ज़्यादातर जितनी भी वीडियोज़ आप देख रहे होते हैं सारी रात की होती है, मगर अभी हम डे टाइम में आए हुए हैं और यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जितनी भी सारी खाने की वीडियो हैं वो सारी आपको मैं शो करूँगा, दिखाऊँगा। और मेरे साथ मेरे दोनों फ्रेंड्स आए हुए, लियास और जमील। एज़ यूजुअल यू कैन शो जमील, क्या हाल है जमील? यू कैन वेव, यू कैन जस्ट वेव। भाई इलियास तो फटाफट अपनी पहली प्लेट लेके आ चुका है। मैंने और जमील ने भी यहाँ पे कुछ आइटम ले लिए थे और हम लोग ने फिर वहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया था। हमने सैलेड और मिनी बन कबाब दिए थे। नो डाउट इनका जो मिनी बन कबाब था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही फ्रेश था, खा के बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम खाने को साथ साथ इंजॉय करते जा रहे थे और उसके बाद एक बहुत ही लजीज सी ज़बरदस्त सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमारे सामने आ चुकी थी। गुड पार्ट इज़ दिस कि ये हाई टी का पार्ट थी, इसका बिल्कुल एक फ्रेश लाइम जैसा फ्लेवर था। लियास यहाँ पे अपनी ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं। जी लियास तो बताएं, अभी भी जस्ट केम और मुझे बताओ कि अभी यहाँ पे कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, अभी क्या क्या खा लिया है? मतलब अभी हम 10-15 मिनट में आए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल 10-15 मिनट हुए हैं हमें आए हुए। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है और सर्विस भी इनकी अच्छी है, मेन्यूज़ भी बहुत सारे हैं। तो अभी इनने कुछ ही आइटम ट्राई किए, देखते हैं आगे और भी ट्राई करेंगे, लेकिन एम्बियंस वगैरह और हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ पे मेरी पहली प्लेट आ चुकी है जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। सब कुछ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। पहले आई विल ट्राई द ग्रिल चिकन। ग्रिल चिकन तो बहुत ही मज़े की है, जैसी होती है टोटली वैसी ही है। और फिर हम ट्राई करते हैं इनका ये वाइट सॉस पास्ता अल्फ्रेडो। वाइट सॉस पास्ता भी बहुत मज़े का है और थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ रेड स्पाइसी पास्ता। दिस वन इज़ फाइन, इसमें काफ़ी गार्लिक करीज बहुत आ रहे हैं बट मेरे लिए अल्फ्रेडो द बेस्ट। आप ट्राई करते हैं ढाका चिकन, और ढाका चिकन बहुत अच्छी क्रिस्पी सी है। ढाका चिकन वाकई में बहुत मज़े की है। चाउमिन ट्राई करना, चलो चाउमिन नॉर्मल लग रहा है बट लेट्स सी। चाउमिन फाइन, इतना कोई खास नहीं है। हम ये कबाब ट्राई करते हैं। कबाब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने ट्राई किए? कबाब बड़ा जूसी सा लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट। चले हम और चीज़ें भी ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। बहुत कुछ खाने को भी है यहाँ पे, अभी गोलगप्पे वगैरह भी है, मीठा भी है। तो कैमरे के पीछे वाले शख्स को बहुत भूख लग रही है, तो हम पहले प्लेट खत्म करते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम, एज आई सेड अर्लियर, लेट मी शो यू गाइज एंटायर फूड आइटम ऑफ Chopal हाई टी। सबसे पहले ज़बरदस्त और गर्मा गर्म चने का सालन और आलू की तरकारी थी, साथ में हलवा और ज़बरदस्त सूजी का हलवा। उसके बाद ये प्याज के पकौड़े थे जो कि शाम के टाइम के बड़े इंपॉर्टेंट मील होता है हाई टी का। ओए होए होए ज़बरदस्त, ये शामी कबाब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके थ्रू बनेगा मिनी बन कबाब, और मिनी बन कबाब वन बाइट थे, बहुत ही मज़े के थे। हमने 2-3 तो ऐसे ही खा लिए थे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके हाई टी के आइटम में कुछ डिनर के भी आइटम थे जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, मैंने हर जगह नहीं देखा है। इनका बीफ हलीम था और साथ में चिकन बिरयानी थी, तो जो लोग थोड़ा सा इस तरह का आइटम भी हाई टी में चाह रहे थे उनके लिए एक अच्छा फ्लेवर ऑफ एडिशन था ये। और इसके बाद
एज यूजुअल हमारा फेवरेट चाइनीज था, चाइनीज चिकन फ्राइड राइस और साथ में मंचूरियन था। अरे यार ये ग्रिल चिकन तो बहुत ही आला थी और इसके साथ ये सॉस तो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। इसके बाद दो तरह के सैंडविचेस थे, एक ब्राउन ब्रेड में था और एक सिंपल ब्रेड के अंदर था। और वाह ये डिलीशियस से पास्ता, अल्फ्रेडो व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता था। सूप का भी ऑप्शन था और सूप में भी दो ऑप्शन था आपके पास, एक चिकन कॉर्न सूप और एक हॉट एंड सॉल्ट सूप। और फिर हमने देखा एक लंबा सा काउंटर जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सॉसेस थे, सैलड बार था और साथ साथ गोलगप्पे भी थे जो कि फ्रेश फ्रेश आप अपने लिए खुद भी बना सकते थे, आपको सर्व भी किए जा सकते हैं। ये बात एक बढ़िया सी फिश थी जो कि हमने ट्राई की थी, अच्छी थी। आईटी में आए हुए और बिरयानी ना ट्राई करें, कराची की बिरयानी वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ की बिरयानी कैसे था, आपको एग्जैक्ट रिव्यू मिले। तो इट्स अ चिकन बिरयानी, हम ये भी ट्राई कर लेते हैं पहले। यानी अच्छी है, मतलब बहुत भी अच्छी नहीं है लेकिन इट्स वर्थ ट्राई की जा सकती है आप अगर यहाँ पे आए। साथ में राइस हैं और मंचूरियन, ये भी मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा। मंचूरियन राइस बहुत और फाइन अच्छे हैं, ओके। ये फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ थे, साथ में ये आप चेक कर सकते हैं रस थे, ये चॉकलेट मूस था और ये लबी शीरी थी और इसके साथ आप चेक करते हैं खीर थी, पाइनएप्पल कस्टर्ड था, बुबूसा था ऐसा टर्किश डिश और ऐसा देसी मिठाई। हाय ये हॉट फ्रेश रानी बहुत ही सीजिंग लग रहे थे, मैंने तो बहुत ज़्यादा खाए थे। और यहाँ पे मिनी कपकेक्स की वैरायटी थी। मुझे सबसे अच्छी बात जो ये चौपाल की हट्टी की लगी कि जो इनका डिज़र्ट आइटम था वो बार बार रीफिल हो रहा था और बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, यानी सिर्फ बराए नाम नहीं था। तो आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। ये सारे आइटम बहुत अच्छे थे, मैं हर आइटम ट्राई नहीं कर पाया बट जो भी ट्राई किए वो सब बहुत बेहतरीन थे। गुलाब जामुन तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। डैम जस्ट लुक एट दिस प्लेट, इतनी ज़बरदस्त डिज़र्ट की प्लेट हो और साथ में इतना सनसेट जैसा एम्बियंस हो तो मज़ा तो भाई डबल हो जाएगा। बहुत ही आला व्यू था, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था इस वक्त खाते हुए भी और एम्बियंस को एंजॉय करते हुए भी। तो गाइस वी आर डन विद द फूड और ऑब्वियसली बुफे में जब इंसान आता तो बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रहा होता, लेकिन बेसिकली ट्रिक ये होती कि आपने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी होती है ताकि ये कि आपको डिफरेंट फ्लेवर का आइडिया हो, और वो चीज़ें तो बिल्कुल ट्राई नहीं करें जो आप ऑलरेडी खाते रहना है। तो ये इट्स अ ट्रिक फॉर बुफे में जाने के लिए। अच्छा अभी लेट मी शो यू गाइस अ प्लेट ऑफ स्वीट्स जो कि मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो कि इस तरह के आइटम हैं, फिर जो अलग कुछ डेजर्ट्स वगैरह हैं वो भी हम लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा क्या कैमरा करीब करिए जमीन, ओके। अभी मेरे पास ये बबूसा है, आई गेस इज समथिंग टर्किश, कुछ मीठा लग रहा है बबूसा के नाम से। फिर ये डबल का मीठा है और इसमें कुछ आई गेस ये कैरेमल है, कुमेल है, क्या है वो है। देन देयर इज अ कपकेक, चॉकलेट कपकेक। दिस इज़ अ वनीला डिनर जिसपे थोड़ा सा रेड वेलवेट केक की टॉपिंग हुई हुई है। दिस इज़ नॉर्मली केक, जैसे फ्रेश केक होता है ना आपका सेम केक, दिस इज़ वो। और साथ में इसका कुकीज़, देयर आर लॉट ऑफ कुकीज़। और देन देयर इज़ अ टार्ट, दिस इज़ स्ट्रॉबेरी टार्ट, स्ट्रॉबेरी चेरी टार्ट। और ये एक मिठाई है इनकी देसी टाइप सी, और ये हॉट फ्रेश ब्राउनी है। अभी कुछ और डेजर्ट भी है तो मैं कुछ ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ट्राई करता हूँ ब्राउनी, वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार है, मतलब मुंह में जाके घुल गई। इसके बाद हम ट्राई करें डबल का मीठा, ट्राई करते हैं। देख तो इसे डबल का मीठा मेरे ख्याल से शाही टुकड़ा टाइप लग रहा है मुझे, इसमें क्रीम व्रीम इन्होंने ऐड की हुई है तो उस तरह का है और अच्छा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट वी आर डन विद द फूड और इस वक्त हम रेस्ट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, चाय पी रहे थे। उसके बाद आप जितनी जितनी अंधेरा हो चुका था सनसेट करीब का, कुछ लाइट उन्होंने अपनी ऑन कर दी थी और लाइट बहुत ही प्यारा व्यू दे रही थी, यकीन माने। इंतज़ार मत कीजिए, विंटर आ रहा है, विंटर पे अपनी हाइट ही प्लान कीजिए
और इस ब्यूटीफुल एम्बियंस में आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सीन और बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पूरा सी व्यू का सारा व्यू आ रहा है। अभी ये लाइट्स आप जमील दिखाइए कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लाइट्स लगी, इन्होंने लाइटिंग ऑन कर दी अपनी, बहुत ही मेसमराइजिंग लग रहा है व्यू यहाँ का ओवरऑल। और अभी वी हैव डन विद आवर हाइटिंग, इट वॉज बेहतरीन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत सारे आइटम ट्राई किए इनके और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और हम इंशाल्लाह अगेन आएंगे। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस, हाइटी की जो प्राइस थी वो 1895 थी इंक्लूडिंग टैक्स फॉर पर पर्सन, और टाइमिंग इनके 4 से 6 थे। चौपाल की 2-3 ब्रांचेज, एक नाजाबाद में है, एक शारिफ फैसल पे, दिस वन इज लोकेटेड एट सी व्यू कराची, तो आपने ज़रूर आना है, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। तो आई विल लाइक टू इनवाइट इलियास एज ऑलवेज, तो इलियास मुझे बताओ कैसा रहा, मज़ा आया आज? बहुत मज़ा आया, और एक तो इनका एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, दूसरा ये है कि इनके मेन्यू में काफ़ी वेराइटीज़ थी, चाहे वो डेजर्ट की बात करें या फिर मेन कोर्सेज कह लें। मुझे बताओ कि ओवरऑल नमकीन आइटम में, लाइक ओवरऑल हाइटी में तुम्हें क्या अच्छा लगा? हाइटी में एक तो इनके चाइनीज़, एक वो वाइट सॉस पास्ता, साथ में इसके ग्रिल चिकन जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, नो डाउट, और इसके अलावा जो बारबेक्यू में कबाब जो काफ़ी जूसी कबाब थे, ये आइटम तो मुझे तो बड़े टॉप नॉच लगे। जी अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप सबको पता है आज हमारा फर्स्ट विजिट था चौपाल में हाइटी के लिए, तो अगर आपका दोस्त अगर ब्लॉगर हो तो आपको जो है वो नए नए स्पॉट्स ट्राई करने का मौका मिल जाता है, सो एज विद अस, तो बहुत मज़ा आया, आज का डे कंक्लूड होता है। थोड़ा सा रिव्यू मैं दे दूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था, तो मेरे ख्याल में आई वुड रादर से कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल हाइटी, अगर आपको ट्राई करनी है विद दैट मच एम्बियंस तो आप ज़रूर आ सकते हो यहाँ पर। तो वेट करें नेक्स्ट व्लॉग के लिए, कोई अच्छा सा हम फिर और स्पॉट निकालेंगे दानियाल ज़रूर हमारे लिए और हमें वो ट्राई कराएंगे। टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़। व्यू चेक करें, यकीन माने इसी के ही पैसे हैं, यानी दिन में आप एक अलग व्यू मिलेगा हाइटी में आएंगे और सनसेट के बाद आप एक अलग ही व्यू मिलेगा। इसी तरह की मजीद और वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं अपनी कोशिश करूँगा कि इस तरह के बहुत सारे स्पॉट आपको दिखाता रहूँ ताकि यू विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस। और आई एम अ फूडी और मैं खुशी हूँ कि आपको कराची के हर एक कोने तक मैं आपको लेके जाऊँ, और डेट्स इट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लिजन, अल्लाह हाफिज़।